Jim. अच्छा गाइस, तो आज की वीडियो जो है वो होने जा रही है मेरी रिस्पांस मेरी रोस्ट वीडियोस में। ये मैंने बुलाई थी एक वीडियो जुलाई में भी, इस तरह की एक वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत अच्छी सपोर्ट आई थी आप लोगों की। तो अब आज भी जो है हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो का जो लाइक गोल है वो है 1000 लाइक्स इन 48 आवर्स, तो वो 1000 लाइक्स इन 48 आवर्स करा देना। और उसके अलावा जो है वीडियो को जो है सीरियस नहीं लेना, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वैसे मैं शुगर के तौर पर कह रहा हूँ, तो वीडियो को सीरियस ना लेना। तो चलो जो है हम अपने कमरे में चलते हैं जहाँ वीडियोस बनाते हैं, चलो लेट्स गो। अच्छा तो वेलकम बैक। तो अभी जो है ना हम रोस्ट करने जा रहे हैं, रोस्ट तो नहीं वैसे देखने जा रहे हैं पहले अपनी रोस्ट वीडियोस। तो इस बारी जो है सबसे पहली जो रोस्ट वीडियोस है वो हसन मलिक का, मेरे अपने कज़न ने मुझे रोस्ट किया है। तो they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. तो अच्छा, तो अब इसकी जो वीडियो है वो इसने 4 months ago अपलोड की है, लेकिन मैंने रिएक्शन नहीं दिया था, तो मैंने कहा इस वीडियो में रिएक्शन देते हैं। टाइटल है, ये टाइटल देख लेते हैं हम, एक्सपोजिंग प्रोज लैब रोस्टिंग माई कजन हसन मलिक आओ। तो इधर जो है मेरे पास अपने हेडफोन्स हैं और अभी जो है हम इसको देखने वाले हैं। आप लोग भी साथ देखें और मुझे बताएं कैसी लगे आपको ये रोस्टिंग। तो चलो देखते हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोज लैब। वीडियोस हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोज लैब। तो मैं और आज की जो वीडियो है वो होने जा रही काफी ज्यादा स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज वीडियो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके अंदर स्पीकर्स हो उसे वायरलेस किस तरह बना सकते हैं, जिस तरह आपके इस तरह बना सकते हैं। बोल जी कि अब मैं आज ही एक न्यू गेमिंग लॉन्च होनी है जो तकरीबन थोड़े अरसे के बाद लॉन्च होगी, उस गेम के बारे में आपको बताऊं। हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी हसन मलिक। आप ये देख रहे होंगे आप शुरू में कि मैं प्रोस्लैब को रोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं प्रोस्लैब को रोस्ट मतलब कि ऐसे अब्यूज करके नहीं करूंगा, गालियां देकर नहीं करूंगा, मैं फनी वे में। शुक्र है बचत हो गई भाई, फनी वे में कह रहा, शुक्र है बचत हो गई, मुझे लगा भाई बचत हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जैसे कि अभी आपने देखा है कि वायरलेस बनाना था इसने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे और वायरलेस आगे आपने देख लिया कैसे इसने बोला है। तो आपने साथ दो किनाल वाले नाक को भी देख लिया होगा जो गालियां देता है, ये बंदा हमें मिला था। तो आगे देखते हैं यार, ये मेरी वीडियो में खुद ही कहता हूँ फजूल वीडियो है, मैं खुद ही मानता हूँ ये, वैसे ही तब बनाई थी और व्यूज भी आ गए थे। सॉरी अगर एको बहुत आ रही है। भाई आपसे प्यार है कि आप आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका प्रोस्लैब चैनल बहुत अच्छा चले, 50k सब्सक्राइबर आप इसी ईयर करें, तो इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर के शुरू में जरूर करेंगे। मैंने ऐसा रोस्ट क्यों किया है, मतलब कि इतना डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट रोस्ट किया मैंने। गाइस मैं अपने कजन को ऐसे ही रोस्ट करूंगा, मतलब कि फनी वे में मैंने करना था और फनी वे में मैंने रोस्ट कर दिया, अब इसको बस इतना ही रोस्ट करना था। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा ये मेरा रोस्ट, बड़ा डिफरेंट था तो बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
भाई यार ये मजाक है क्या जी, मेगाफोन है भाई इसको आराम से फेंकते हैं, मजाक है भाई यार ये क्या रोस्ट वीडियोस है यार, तब चढ़ी है यार। वैसे ये रोस्ट वीडियो तो थोड़ी चलती, नेक्स्ट वाली थोड़ी लग रही है, तो अभी जो है ना नेक्स्ट वाली रोस्ट वीडियो देखते हैं, तो उसको अब चेकआउट करते हैं, फ़ोन में देख रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे अपनी दूसरी रोस्ट वीडियो, इसका टाइटल है HR ब्लॉग्स की तरफ से है, और बाय द वे इन सब रोस्ट वीडियोस का जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो ये कब की वीडियो है, ये है July 7 की, तो थोड़ी पुरानी वीडियो है लेकिन फिर भी हम रिएक्ट करते हैं। टाइटल है अप्रोज लैब के, अप्रोज लैब रोस्ट HR ब्लॉग्स, तो चलो अब चेक करते हैं क्या कैसी वीडियो है। हसन ब्रो अप्रोज लैब को रोस्ट करो, स्टार्टिंग भाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यार आज ना इस वीडियो में हम रोस्ट करने जा रहे हैं एक यूट्यूबर को जिसका नाम है इब्राहिम, यार इस चैनल का नाम है प्रोज लैब, तो आज की वीडियो में हम उसका रोस्ट करेंगे और मज़े भी लेंगे। तो प्लीज़ यार उसे जाकर रेट ना करना, कोई भी उल्टे सीधे कमेंट्स ना करना और डिसलाइक ना करना वीडियो को, ये जस्ट फन के लिए है। मैं खुद भी इसके वीडियोस देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ, आप भी जाओ और इसकी वीडियो देखो, लाइक करो और इस वीडियो को एंजॉय करो और रोस्ट चेक करो, बस मजे लो। तो चलो यार ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और रोस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यार अभी कल परसों की बात है, इन भाई साहब ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल माई यूट्यूब इनकम माई अर्निंग्स फ्रॉम यूट्यूब रिवील्ड, तो ये टाइटल है इस वीडियो का। तो यार पहले मैं बता दूं, जब मैंने ये देखी ना वीडियो, इसका थंबनेल आया मेरे सामने, मैंने क्लिक किया, मैं कहा भाई क्या देख लेते हैं, हम भी यूट्यूबर हैं, मुझे वैसे पता है मैं कितना कमाते हैं यूट्यूबर, कितने व्यूज का कितना, ये सारा मुझे आइडिया है। तो मैंने सोचा देख लेते हैं भाई हमारे प्रोज लैब जो इब्राहिम भाई हैं वो कितना अर्न कर लेते हैं यूट्यूब से, तो यही सोच के मैंने वीडियो के पर क्लिक किया। और मैं ना जो इसकी मैंने ना फुल वीडियो देखी, एक ज़रा सा भी स्किप नहीं किया, 10 सेकेंड्स का भी आगे पीछे कुछ नहीं किया, वीडियो को मैंने फुल देखा और मैंने ये देखना था कि इसने कहाँ पे अपनी वीडियो जो अर्निंग्स है उसे रिवील्ड किया है। तो मैं पूरी वीडियो देखी, इसमें से किसी भी जगह पे इसने ये नहीं बताया कि मैं कितना कमा लेता हूँ। तो मैं देखता रहा कि भाई कहाँ पे इसने अपनी अर्निंग को शो किया है, सब लोग इसलिए आए हैं अर्निंग देखने के लिए, तो ये साहब अंदर जी पता नहीं क्या वो शोखियाँ मार रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स देखने को मिल जाएंगे, मगर ये जो यूट्यूबर है वाह 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 भाई इब्राहिम जो है वो क्लिकबेट करने में तो माहिर है, उन्होंने PhD कर रखी है क्लिकबेट करने में। अभी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी पिक्चर्स, ये जरा चेक करो, तो अभी मैं प्रोज लैब की कुछ वीडियोस के थंबनेल आपको शो करवाता हूँ, ये जरा चेक करो। पहली वीडियो है यहाँ पे $100K प्रॉफिट, ओके ये भी ठीक, आगे करके देख लेते हैं $200K लॉस्ट, ओके ओके। उसके बाद आगे हम चले जाते हैं उसके बाद आ जाते हैं $500K प्रॉफिट, ओके यार इससे बड़ी मुझे लगता है यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे इससे ज़्यादा बड़ी क्लिकबेट कोई भी नहीं करता होगा जितनी ये हमारे इब्राहिम भाई जो प्रोज लैब से ये करते हैं। यार ज़रा क्लिकबेट करना ज़रूरी होता है, मगर यार आप नेक्स्ट लेवल ब्रो, नेक्स्ट लेवल। तो यार जो मेरी पॉपुलर वीडियोस है ना वो ज़रूर दराज और पीके की है, लेकिन ये नहीं है, मैं बीच में नॉर्मल वीडियोस भी बनाता हूँ उनके भी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न जब भी मैं दराज की वीडियो बनाता हूँ खुद ही व्यूज़ आते हैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ दराज की वीडियोज़ बनाता हूँ, अब मैं क्या करूँ यार, जब भी दराज की वीडियो बनाता हूँ व्यूज़ आते हैं, लोग मांगते हैं तो फिर मुझे बनानी पड़ती है दोबारा, तो ये सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हाँ यार मैं क्लिकबेट करता हूँ, क्लिकबेट तो ऑलमोस्ट अब हर यूट्यूबर करता है, मुझे पता है मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप रिसेंट मेरी कोई भी वीडियो देख लो उसमें कम क्लिकबेट कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ ये है कि जिम में जो है, हाँ यार जिम में जो है ना पानी पीना होता है, क्योंकि आपके फिर जो मसल्स हैं ना वो उतने पम्प्ड अप नहीं रहते मेरे, आप देख सकते हो मसल्स बन रहे हैं किसी वीडियो में, अगर मसल्स देखने हो तो कमेंट करना ज़रूर दिखाऊंगा अभी सही। तो उसके अलावा जो है यार रोस्ट वीडियो अच्छी थी, इनके चैनल को ज़रूर चेक करना, और उसके अलावा हसन मलिक का मेरे कज़न का भी चेक करना, और रोस्ट वीडियो से जो है मुझे कुछ नहीं होता है, मैं सिर्फ शुगर में वीडियो बना रहा हूँ, रोस्ट वीडियोज़ को मैं सिर्फ एक
एंटरटेनमेंट के तौर में लेता हूँ मैं किसी भी रोस्ट वीडियोस। आई थिंक अभी तक जो है नहीं हुआ कि यार ये क्या बना दी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जरूर जाके वीडियो को लाइक कर देना, 1K लाइक्स इन 48 आवर्स लाइक ऑल है। और मैं मिलूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव एंड पीस आउट।